नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड ऑन रॉक्सर में एक बार फिर से स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस पर। हाइट एंड डिस्टेंस पर हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, आज उसके आगे हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने परिवार के सदस्यों को भेजिएगा और उनको बोलिएगा कि जो है देखें, लॉकडाउन में जो है घर पर रहें, पढ़ें, मेहनत करें और उनको जो है यहाँ से हमारे इस प्लेटफॉर्म से जो हमारा परिवार है द स्पीड स्टडी, इस परिवार के सदस्य बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम देखते हैं अपना 11वां क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले हमने बताया है कि हाइट एंड डिस्टेंस का, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ के देखिए हमको दिया क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब एक टीवी का टावर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक, तो इस प्रकार हमको बताना है कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए। तो चलिए हम देखते हैं, कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब यही एक टीवी टावर है, यही एक टीवी टावर है जो कि हमारा खड़ा हुआ है। तो मान लीजिए कि जो टीवी टावर है वो आपका क्या है, एबी है और नदी के एक तट पर खड़ा है, मतलब कि बीच में एक नहर है। मान लीजिए कि यही नहर है और नहर के एक तट पर खड़ा है। तो कह रहा है कि ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 उन्नयन कोण 60 अंश है। तो जो टावर है हमारा, मान लीजिए कि यही एक नहर है तो नहर के विपरीत, मतलब कि नहर के जस्ट बगल में जो बिंदु है, अर्थात नहर के जस्ट बगल अर्थात यही कोई बिंदु है, यहां से जब हम इसको देखते हैं तो इसका उन्नयन कोण कितना है, इसका उन्नयन कोण है 60 अंश। कितना है, 60 अंश। ठीक, कह रहा है कि जो नहर है, नहर के जस्ट बगल एक बिंदु है और उसी बिंदु पर उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। फिर कह रहा है कि उसी बिंदु से 20 मीटर और दूर जाने पर, मतलब यहां से हम 20 मीटर और दूर गए तो 20 मीटर और दूर जाने पर इसका उन्नयन कोण जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, इसका उन्नयन कोण हो जाता है 30 अंश। ठीक, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नहर की चौड़ाई x मान लीजिए और टावर की ऊंचाई जो है इसको यच मान लीजिए, तो ए बी सी और इसको डी मान लीजिए। यही चीज है, सब कुछ हमको दे दिए हैं। कहीं समस्या हो तो एक बार क्वेश्चन बैक की वीडियो बैक कीजिए, बैक करके फिर से देखिए कि हमने फिगर कैसे बनाया। तो देखिए, अब सबसे पहले हमको यच दिए हैं, यक्ष दिए हैं, अर्थात पहले आप छोटा त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में टैन थीटा बराबर क्या होता है, हमारा लंब बटे आधार, या लंब हमारा कितना है यच और बटे आधार कितना है, आधार यही है यक्ष, तो यच बटे यक्ष। फिर देखिए टैन थीटा, थीटा का मान 60 अंश है, अर्थात टैन 60 अंश बराबर यच बटे यक्ष और टैन 60 अंश का मान होता है रूट थ्री, तो रूट थ्री बराबर यच अपान यक्ष। या फिर यहां से हम यच का मान निकालें तो यच का मान क्या हो जाएगा, हमारा यच बराबर हो जाएगा रूट थ्री यक्ष, या फिर यहां से यक्ष का मान निकालते तो यक्ष बराबर हो जाता यच अपान रूट थ्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो अगला क्वेश्चन है मतलब आगे देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में। एक बार हम छोटा त्रिभुज लेंगे फिर एक बार बड़ा त्रिभुज लेंगे, तो जब बड़ा त्रिभुज लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा है ए बी, तो लंब की जगह पे हो गया ए बी, बटे आधार, आधार हमारा है बी सी, तो
ए बी बटे बी सी। फिर आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि टैन थीटा, थीटा का मान कितना हो गया 30 अंश, तो यानी कि टैन 30 अंश बराबर लंब, लंब हमारा एच दिया हुआ है कितना एच बटे बी सी। अब देखिए बी सी की जगह पे बी डी और प्लस सी डी, यानी कि इतना यक्स है इतना बीस है, जब पूरा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यक्स प्लस बीस, यक्स प्लस बीस। तो टैन 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर यच अपान यक्स प्लस बीस, तिरछा गुणा कर दीजिए तो यक्स प्लस बीस बराबर हो जाएगा हमारा यच। अब देखिए यच का मान क्या है, रूट थ्री, इसका इसका गुणा करेंगे तो रूट थ्री यच हो जाएगा, तो यक्स प्लस बीस बराबर रूट थ्री है, रूट थ्री इंटू यच का मान देखिए यहां पे निकला हुआ है यच बराबर रूट थ्री यक्स, इसका मतलब जहां पे यच लिखा जाएगा वहां हम लिख देंगे रूट थ्री यक्स, तो रूट थ्री यक्स या फिर यक्स प्लस बीस बराबर थ्री यक्स हो जाएगा, ये प्लस यक्स उधर जाएगा तो 20 बराबर 3 यक्स माइनस यक्स, या फिर 2 यक्स बराबर 20 तो यक्स बराबर आ जाएगा 2 × 20 10 मीटर। इसका मतलब कि जो नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। ठीक, एक मान आपको ये मिल गया। दूसरा कह रहा था कि जो ये हमारा क्या है स्तंभ है, टावर है, टीवी टावर, टीवी टावर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो टीवी टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो देखिए यहां पे हमने लिखा है यच बराबर रूट थ्री यक्स, तो यच बराबर रूट थ्री यक्स, यक्स का मान 10 है तो 10√3 मीटर, यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, कहीं समस्या हो तो वीडियो एक बार बैक कीजिए, बैक करके फिर से देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 होगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या कह रहा है देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझिएगा, 7 मीटर एक ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। चलिए, एक दो चीज है आपके पास, एक तो आपके पास भवन है, ठीक, और एक आपके पास केबल टावर है। तो देखिए, मैंने कहा कि जो मकान होगा मकान छोटा होगा, मीनार जो होगा, जो टावर होगा, ये सब बड़े बड़े होते हैं, तो इसका मतलब एक मकान है आपके पास ए बी, एक टावर है आपके पास पी क्यू, दो चीज है, एक एक आपके पास मकान है और एक आपके पास टावर है। ठीक, तो दोनों कुछ दूरी पर होंगे, अब ये दूरी नहीं दी गई है। क्या कह रहा है समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, जो भवन की ऊंचाई है वो कितनी है 7 मीटर है। ठीक, ऊंचे भवन से के शिखर से, इसके जो शिखर है, इसके शिखर से जो टावर का शिखर है, टावर का शिखर कौन सा है, ये है, इसका उन्नयन कोण 60 अंश है, अर्थात इसका मान हमको दिए हैं 60 अंश। और क्या कह रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो जब यहां से इसके पाद का मतलब टावर के जब पाद को देखा जाता है तो अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब ये कोण हमारा कितना है 45 अंश। ठीक, ये कोण हमारा 45 अंश है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि अवनमन कोण क्या है तो ऊपर आई बटन, जो वीडियो बनी हुई है इसी में ऊपर ऐसे वीडियो पे क्लिक कीजिए तो ऊपर आई की तरह बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको पार्ट वन का वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाकर के वहां पार्ट वन का वीडियो देखिए, पार्ट वन में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 45 अंश यहाँ कैसे हुआ। तो जो ये 45 अंश है, चूंकि जेड वाली आकृति में जो कोण यहाँ होगा वही कोण यहाँ होगा, इसलिए ये 45 अंश है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 45 अंश। ज्ञात क्या करना है कि
कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो टावर की ऊंचाई मान लीजिए कितनी है, h है, तो इसको कोई बिंदु मान लीजिए, c मान लीजिए, ठीक। तो अगर हमारा ये x हो जाएगा, या फिर अगर हम इसको क्या मान लें, इसको मान लीजिए हम p मान लेते हैं, या कुछ भी मत मानिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये हमारी चौड़ाई x मान लीजिए, बस। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी क्यू में, तो जब ए बी क्यू लेंगे तो tan थीटा बराबर लंब यानी कि ए बी बटे आधार यानी कि बी क्यू, थीटा का मान 45 अंश है, तो tan 45 अंश बराबर ए बी कितना है 7 और बटे बी क्यू कितना है x, तो यह tan 45 अंश का मान 1 बराबर 7 बटे x, तो x बराबर 7 मीटर, यानी कि x का मान आ गया कितना 7 मीटर। अब चलिए हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, ए सी पी, त्रिभुज ए सी पी में, तो जब इसको लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब यानी कि पी सी, ये लंब हो गया, और आधार यानी कि ए सी, तो tan थीटा का मान हमको दिए हैं 60 बराबर पी सी, पी सी यही है, अगर हम पूरे में से इतना घटा दें, भाई ये 7 है तो ये भी हमारा कितना होगा 7 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा, पूरा यच है तो इतने का मान कितना होगा, जब पूरे में से हम इतना घटा देंगे तो हमको इतने का मान मिल जाएगा, अर्थात यच माइनस सेवन बटे ए सी, ए सी का मान ये देखिए, ए सी जो है वो यही यक्ष के बराबर है, तो tan 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3 बराबर यच माइनस सेवन बटे यक्ष, और यक्ष का मान आया है 7, तो यच माइनस जान लीजिए बटे 1 है, इसका इसका पूरा करेंगे, यच माइनस सेवन इक्वल टू सेवन रूट 3, तो यच बराबर सेवन रूट 3 और माइनस सेवन उधर जाएगा तो प्लस 7, या फिर 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, काम ले लीजिए रूट 3 प्लस 1 मीटर, यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो मतलब कि क्या ज्ञात करना था, क्वेश्चन में कह रहा था कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो टावर की ऊंचाई यही हमारी हो जाएगी। अगर कहीं दिक्कत है तो वीडियो बैक कीजिए, बैक करके एक बार फिर से देख लीजिए। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समुद्र तल से 45 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। एक लाइट हाउस है, तो जो लाइट हाउस होता है वो किसी समुद्री एरिया के बगल बनाया जाता है, समुद्र के तट पर बनाया जाता है, तो अर्थात यही एक लाइट हाउस है ए बी, और यहां से दो जो है समुद्री जहाजों को देखा जाता है, दो समुद्री जहाजों को देखा जाता है, तो देखने पर इसका अवनमन कोण क्रमशः, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है, मतलब पहले को जब देखा जाता है तो 30 अंश, दूसरे को जब देखा जाता है तो 45 अंश, मतलब इसको अगर हम मिला दें तो पहले 30 अंश का कोण बनता है फिर 45 अंश का कोण बनता है, ठीक। आगे चलिए, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो पहली जहाज हमारी यहां पे है, दूसरी जहाज हमारी यहां पे है, इसके बीच की दूरी हमको निकालना है, तो चलिए ए बी सी और ये डी हो जाएगा। और कुछ दिया हमको नहीं दिया, कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, इसका मतलब जो लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई कितनी है 75 मीटर, तो चलिए मान रख लिए पहले, त्रिभुज छोटा त्रिभुज लेंगे ए बी डी में, ए बी डी जब लेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारा 75 बटे आधार कितना है हमारा बी डी, थीटा का मान है 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर 75 बटे बी डी, तो tan 45 अंश का मान 1 75 बटे बी डी, तो जान लीजिए बटे 1 है, इसका इसका गुणा कर देंगे और इसका इसका गुणा कर देंगे, तो बी डी इकन्नम बी डी बराबर 75 इकन्नम 75 मीटर, अर्थात हमको बी डी का मान मिल गया 75 मीटर।
अब हम बड़ा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो जब त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर लंब और बटे आधार। तो थीटा का मान कितना है 30 अंश, यानी कि टैन 30 अंश बराबर ए बी कितना है 75 और बटे बी सी। बी सी कितना है, बी सी हमारा है बी डी और प्लस सी डी, यानी कि बी डी और प्लस सी डी। टैन 30 अंश का मान 1/√3 बराबर 75 बटे बी डी। बी डी का मान हमको दिए हैं कितना निकाले भी, 75 निकाले हैं। तो बी डी जहां पे 75 और प्लस सी डी जहां पे x, तिरछा गुणा कर देंगे तो 75 प्लस x बराबर 75√3। तो x बराबर 75√3 और ये प्लस 75 उधर जाएगा तो -75। तो x बराबर 75 इसमें भी है, 75 इसमें भी है, 75 हम कॉमन ले लेंगे तो आएगा क्या, √3 - 1 मीटर, यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो ये चीज है हमारा जो है 3 क्वेश्चन आज हुआ 13। उसके बाद कल जो है आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस हम खत्म कर देंगे 14, 15, 16। 3 क्वेश्चन आपको कल बताए जाएंगे। ठीक, तो अगर कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप जो है चैनल व्यू पे जाके देखेंगे तो वहां मेरा जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। ठीक, या नीचे आप अपना नंबर कमेंट करिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ देंगे। ठीक, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहां भेज सकते हैं, आपको उसका सॉल्व मिलेगा। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए एक काम तो कर ही सकते हैं कि इसको शेयर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों को, शेयर कीजिए अपने मामा मौसी चाचा चाची इतने लोग हैं सबके पास शेयर कीजिए, सबके पास हमारा वीडियो पहुंचे। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।